नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और पोको ने फाइनली लॉन्च कर दिया है रेडमी मेरा मतलब पोको F2 Pro। जी हाँ, पोको F2 Pro फाइनली लॉन्च हो चुका है और इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस फोन का एक क्विक स्पेक कंपैरिजन विद OnePlus 8 Pro, क्योंकि लॉन्च के टाइम पे भी कंपनी ने इस फोन को OnePlus 8 Pro के साथ काफी बार कंपेयर किया काफी सारी चीजों के लिए। तो एक बार एक क्विकली यहाँ पे हम स्पेक कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में और बताते हैं आपको कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वैसे जो पोको की अभी इंटरनेशनल प्राइसिंग है, दैट इज 499 यूरोस, जिसे आप अगर डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे रुपीज में तो बनता है लगभग 41,000 रुपीज। अब ये फाइनल इंडिया प्राइसिंग तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जब फोन इंडिया में आएगा तब हम डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोको F1 और पोको X2 के साथ यही हुआ कि बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग रखी थी दोनों स्मार्टफोन्स के लिए और बहुत ही कमाल के फीचर्स आपको मिल रहे थे फॉर द प्राइस। तो ये सेम आइडियोलॉजी, ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पोको F2 Pro के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन इट गेट्स लॉन्च्ड इन इंडिया। खैर, बढ़ते हैं हम स्पेक कंपैरिजन की तरफ और बताते हैं आपको कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने परफॉर्मेंस से ही शुरू किया था कीनोट। तो यहाँ पे वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल जाते हैं, दोनों फोन्स में आपको अलग अलग रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। पोको F2 Pro में आपको दो रैम स्टोरेज वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, 8GB रैम 256GB स्टोरेज, लेकिन OnePlus 8 Pro में आपको 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट्स मिल जाते हैं। पोको F2 Pro में आपको 3.1 UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलती है, जबकि OnePlus 8 Pro में आपको UFS 3.0 स्टोरेज देखने को मिलती है। और दोस्तों, यहाँ पे पोको F2 Pro पर काफी ज्यादा फोकस किया गया है लिक्विड कूलिंग के मामले में, इसीलिए पोको ने यहाँ पे एक एनहांस्ड और इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ लिक्विड कूलिंग 2.0 मेरे ख्याल से यही नाम है, लिक्विड कूलिंग 2.0 लॉन्च किया है विद द पोको F2 Pro, यानी कि आप और भी बढ़िया परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गेमिंग ऑन द पोको F2 Pro। और हाँ दोस्तों, दोनों फोन्स में आपको LPDDR5 रैम देखने को मिल जाती है, इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट एज वेल। अब अगर बात करें हम डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे 6.67 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है पोको F2 Pro पर, जबकि OnePlus 8 Pro में आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। अब वैसे तो दोनों ही फोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्लेज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ऑन OnePlus 8 Pro, जबकि पोको F2 Pro पर आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जैसे हर स्मार्टफोन में होता है, वैसे है 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, लेकिन यहां पे OnePlus 8 Pro में आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल रही है। और ये दोनों ही फोन्स HDR 10 Plus को सपोर्ट करते हैं, DCI P3 कलर गैमिट को सपोर्ट करते हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स हैं यहां पे। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर OnePlus 8 Pro में आपको क्वाड HD डिस्प्ले मिल रही है, क्वाड HD रेजोल्यूशन वाली, जबकि पोको F2 Pro पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, बात करें अगर यहां डिजाइन के बारे में, तो दोनों ही फोन्स में आपको फ्रंट एंड रियर साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, तो यहां पोको F2 Pro में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जबकि OnePlus 8 Pro में आपको सिंगल पंच होल वाला सेल्फी कैमरा मिल रहा है। पोको F2 Pro में आपको एक हेडफोन जैक भी मिलता है विद हाईरेज ऑडियो सर्टिफिकेशन, लेकिन OnePlus 8 Pro में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता। दोनों फोन्स में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, दोनों फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है, दोनों ही फोन्स NFC सपोर्ट के साथ आते हैं। और यहां पे पोको F2 Pro में आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है, लेकिन OnePlus 8 Pro में ऐसा कोई फीचर नहीं है। और एक और चीज दोस्तों, कि OnePlus 8 Pro में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जबकि पोको F2 Pro में बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले दी गई है। और यहाँ पे आपको दोस्तों IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है ऑन OnePlus 8 Pro, जबकि पोको ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि किस तरह की प्रोटेक्शन हमें यहाँ मिलेगी, किस तरह की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस, लेकिन हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि एटलीस्ट आपको P2i नैनो कोटिंग तो यहाँ मिल ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम कैमरास के बारे में। तो दोस्तों, कैमरा सेटअप्स की बात करें, तो दोनों ही फोन्स में आपको क्वाड कैमरास देखने को मिल जाते हैं। 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप है पोको F2 Pro पर, और 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है OnePlus 8 Pro पर। अब जो 64MP का सेंसर है पोको F2 Pro पर, दैट इज Sony IMX686,
और यहाँ अगर वन प्लस 8 प्रो की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का एक सेंसर सोनी IMX586 है और जो दूसरा सेंसर है वो है सोनी IMX689। और यहाँ पे जो बाकी डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो 64 मेगापिक्सल का सेटअप है पोको F2 प्रो पर, उसमें ऑफकोर्स प्राइमरी सेंसर है 64 MP, जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है दैट इज 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसमें 123 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है और जो मैक्रो लेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है, उसमें आपको 2x जूम का भी फीचर मिल जाता है। अब अगर हम OnePlus 8 Pro की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद 30x डिजिटल जूम और 5 मेगापिक्सल का यहां पे आपको कलर डेप्थ सेंसर मिल जाता है। जो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसमें 116 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू आपको मिलेगा। दोनों ही फोन से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं एट 30 और 60 फ्रेम्स पर सेकंड, लेकिन पोको F2 प्रो पर आप 8K वीडियोस भी शूट कर पाएंगे। सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है OnePlus 8 प्रो पर और 20 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा आपको मिलता है पोको F2 प्रो पर। और दोस्तों बैटरी के बारे में बात करें तो पोको F2 प्रो पर आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है विद 30W चार्जिंग सपोर्ट, OnePlus 8 प्रो पे आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है विद 30W चार्जिंग सपोर्ट और 30W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट पोको F2 प्रो पर नहीं है। एंड इन दी एंड दोनों फोन्स में आपको एंड्रॉइड 10 मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही स्मार्टफोन्स पे, लेकिन पोको लॉन्चर 2.0 आपको मिलेगा पोको F2 प्रो पर। इसका मतलब एक बहुत ही क्लीन वर्जन मिलेगा आपको MIUI का। अभी MIUI 12 होगा या MIUI 11 ये तो हमें बाद में पता चलेगा, आई थिंक MIUI 12 के साथ लॉन्च होना चाहिए जब ये इंडिया में आएगा। OnePlus 8 Pro में आपको एक ऑक्सीजन OS का बिल्कुल नया रिफाइंड वर्जन देखने को मिलेगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको डार्क मोड का फीचर मिल जाता है और हाँ बाय द वे एक चीज और बताना चाहेंगे कि दोनों ही फोन्स में आपको DC डिमिंग का फीचर भी मिल जाता है और अलग अलग डिस्प्ले मोड्स भी आपको मिल जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स पर। तो दैट्स इट गाइस, ये था एक क्विक स्पेक कंपैरिजन पोको F2 प्रो और OnePlus 8 प्रो के बीच में। आपको इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बहुत जल्दी हम आपके लिए इस चैनल पर काफी जबरदस्त कंटेंट लेकर आने वाले हैं, सो स्टे सब्सक्राइब्ड और बेल आइकन को जरूर टैप कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।